पाकिस्तान को बड़ी सफारती कामयाबी। सलामती कौंसल का बंद कमरे में 1 घंटा 35 मिनट तक इजलास। अक़वामे मुत्तहिदा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इजलास आलमी बरादरी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती है। भारत का कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का दावा गलत साबित हो गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर के सफीर, कभी मायूस न होना। आज़ाद कश्मीर असेंबली में तारीखी तकरीर, कहा मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मोदी का 5 अगस्त 2019 के इकदाम पर अंदाज़ा गलत निकला, पाकिस्तान खामोश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की मुजफ्फराबाद में यौम इस्तेहसाल रैली में शिरकत, दीवार का इफ्तिताह। पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में शामिल। इस्लामाबाद में नई सियासी नक्शे के इजरा की तकरीब, यौम इस्तेहसाल पर सेनेट का खसूसी इजलास भी हुआ। कश्मीर से यकजहती की करारदाद मंजूर की गई। भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर और सूबाई असेंबलियों में भी करारदादें। सी पैक मंसूबों में बड़ी पेशरफ। टेक्निक ने ML1 और हरिपुर ड्राई पोर्ट की मंजूरी दे दी। पाक चीन मुश्तरक मंसूबों पर 6.8 अरब डॉलर लागत आएगी। अपग्रेडेशन से ट्रेन की रफ्तार 165 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाएगी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक मंसूबे में हवेलियाँ ड्राई पोर्ट, वॉल्टन अकेडमी की बेहतरी भी शामिल है। कराची में कल रात से फिर बारिशों का इम्कान। जुमे और हफ्ते को हैदराबाद समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। उधर कराची में बरसाती नालों की सफाई का अमल जारी। गुजर नाला, कोरंगी और मवाच गोट नालों पर कई पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर परवेज इलाही की अहम मुलाकात। तारिक बशीर चीमा, मोनस इलाही और राजा बिशारत भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की अवामी फलाह के मंसूबों पर भी बातचीत, बाज़ तजावीज़ पेश की। वज़ारत खारजा में अहम तब्दीली। आयशा फारूकी की जगह जाहिद हफीज चौधरी तर्जुमान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जाहिद हफीज चौधरी DG सार को जनूबी एशिया की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। आयशा फारूकी बतौर तर्जुमान दफ्तर खाजा आज आखिरी मीडिया ब्रीफिंग देंगी। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला थमा नहीं। एक ही दिन में 4,800 रुपए फी तोले का रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 1,28,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,117 रुपए इजाफे से 1,10,340 रुपए तक जा पहुंची। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन का खेल खराब रोशनी के बायस जल्द खत्म। बारिश के बायस खेल 3 मरतबा रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की, 2 विकेट पर 139 रन बनाए। बाबर आजम 69 और शान मसूद 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आबद अली 16 रन, कप्तान अजहर अली 0 पर विकेट गंवा बैठे। बहुत शुक्रिया। अब मैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को दावत खिताब देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। जनाब स्पीकर, सदर साहब, जनाब वज़ीर आज़म, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुनी आप सबकी तकरीरें। वज़ीर आज़म साहब की तकरीर मैं फॉलो कर रहा था कि किधर से किधर जा रही है। कभी वो आज़ाद कश्मीर से चली जाती थी खैबर पख्तूनख्वा, कभी वो बलूचिस्तान। मैं फॉलो कर रहा था। मैं दो चीज़ें पहले आपकी तकरीर के ऊपर कमेंट करता हूँ, फिर मैं जो मैं
आज जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं उसके ऊपर बात करूँगा। देखिए एक चीज़ ये ज़हन में डाल लें कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में है। इसके पोटेंशियल की मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि हमें ख़ुद पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है। मैं समझता था कि बहुत पोटेंशियल है क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ, हमने इस मुल्क को बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते देखा, फिर हमने इस मुल्क को नीचे आते देखा, तो हमें पता है कि ये किधर जा सकता था। 60s के अंदर ये सारी दुनिया, 60 की दिहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी। एक किताब निकली थी जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि सारे एशिया का कैलिफोर्निया पाकिस्तान बनने जा रहा है, सबसे खुशहाल तबका, और हमें वो दिन याद है। और फिर क्या हुआ, ट्रेजेडी पाकिस्तान की, कि वो बदकिस्मती से उस ट्रेजेक्ट्री पर नहीं गया, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया। और दुनिया की तारीख जब आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से, हर कौम के अंदर कई उसूलों पे चलती है तो कौम ऊपर चली जाती है, जब उन उसूलों से पीछे हटती है तो कौम नीचे आ जाती है। ये हमारा नहीं है, दुनिया की तारीख उठा के देखें कैसे बड़ी कौम बनती है, एम्पायर बन जाता है, फिर वो नीचे आ जाती है। तो वो हम कोई हम अगर हम जो अल्लाह के बनाए हुए कानून, जो हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो मदीना की रियासत में सरकार मदीना ने कई कानून बनाए थे, उन्होंने कई प्रिंसिपल्स रखे थे जिसकी वजह से वो कौम ऊपर गई थी। इसलिए कुरान हमें कहती है, अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनकी ज़िंदगी से सीखो। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया की तारीख में इस तरह बड़ा इनकलाब आया ही नहीं, जो वो हुआ है वो तारीख का हिस्सा है। तो कोई असूल उन्होंने अपनाए थे जिससे वो कौम उठी थी, और फिर जब वो नीचे गए 400-500 साल के बाद तो वो उन असूलों से पीछे हट गए थे। तो हमारा भी यही हाल है, लेकिन मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मुझे आज मायूसी आपकी बातों से फील हुआ है कि जिस तरह आप मायूस हुए हुए हैं, ये नहीं कि एक आपने वज़ीर आज़म साहब कश्मीर की पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान को उठाने के लिए उठाना चाहिए, कोई थिंक टैंक्स होने चाहिए, और आपने जो सबकी भी बातें आई ऐसे लगा जैसे कोई आपको, आप अंदर से थोड़े से हारे हुए हैं। तो मैं इसलिए जो आज आपसे बात करूँगा, मैं आज आपको जो मेरा तज्जिया इस सारी चीज़ का, मैं बिल्कुल आपसे दूसरी तरह सोच रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है।